नाज़रीन, गूगल सर्च ने दो दहाइयों का तवील सफर तय कर लिया और इसकी 20वीं सालगिरह जुमेरात 27 सितंबर को मनाई जा रही है। वैसे ये कंपनी 2006 से सर्च इंजन की सालगिरह 27 सितंबर को मना रही है, मगर इससे पहले ये मुख्तलिफ तारीखों में भी सालगिरह मना चुकी है। गूगल ने 2013 में अपनी सालगिरह के हवाले से उलझन का एतराफ़ करते हुए कहा था कि वो कई मुख्तलिफ तारीखों पर सालगिरह मना चुका है, मगर अब वो 27 सितंबर पर टिका हुआ है। कंपनी ने ये तारीख मुमकिन तौर पर इसलिए मुंतखब की है क्योंकि पहला बर्थडे डूडल 2002 में इसी तारीख को इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसी तारीख को 1998 में गूगल का वेब पेज हर एक के लिए मुतारिफ कराया गया। इससे भी दिलचस्प हकीकत यह है कि गूगल डूडल बताते खुद गूगल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि पहला डूडल वेबसाइट की तकनीकी तश्कील से पहले यानी 30 अगस्त 1998 को तैयार किया गया था। आज उल्टे सीधे गलत स्पेलिंग और अधूरे जुमले लिखने के बावजूद दुनिया के राज और मालूमात हमें पहचानने वाला गूगल सर्च इंजन सबसे पहले 1998 में सामने आया। उस जमाने में गूगल के बानी लैरी पेज और सरगेई बिर्न अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के तालिब इल्म थे, जब वो पहली बार एक सर्च इंजन के आइडिया के साथ सामने आए। तहम उन तालिब इल्मों का यह ख्याल उस वक्त मार्केट में मौजूद दीगर सर्च इंजन से मुख्तलिफ था। ये सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं बल्कि वेब पेजेस के लिरिक्स में सर्च की जाने वाली चीज़ और नंबर का तजिया भी कर सकता है। उस जमाने में रोजाना 500,000 वेब सर्चिज होती थी और अब सिर्फ हर सेकंड में औसतन 40,000 से ज्यादा, जबकि दिन भर में 3.5 अरब से ज्यादा बार गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च किया जाता है, जिसमें से भी 16 से 20% सर्चिज ऐसी होती हैं जिन्हें पहले कभी सर्च नहीं किया गया होता। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि 1999 में गूगल को 5 करोड़ वेब पेजेस के इंडेक्स को बनाने में 1 माह लगा था और 2012 में यही टास्क 1 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल किया गया। इसी तरह एक सिंगल गूगल सर्च के दौरान 1000 कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं जो सारिफ को 0.2 सेकंड में कोई ना कोई जवाब फराहम करते हैं। और हाँ, गूगल नाम दर हकीकत एक रियाजी की असलाह गोगोल से लिया गया, जिसमें 1 के साथ 100 सिफर लगाए जाते हैं। मगर इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह सर्च इंजन का असल नाम नहीं, दरहकीकत लैरी पेज और सरगेई बिर्न ने पहले इसे बैक रब का नाम दिया था। अगरचे इंटरनेट के 70% सारफीन गूगल क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं और इन्हें google.com टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इस कंपनी ने इससे मिलते जुलते तमाम नाम जैसे gogle.com, gogle.com और दीगर डोमेन्स को खरीद रखा है। इस सब के बावजूद एक शख्स ने 1 मिनट के लिए गूगल को ऑनलाइन खरीद लिया और ऐसा हुआ भी गूगल की गलती की वजह से। ऐसा दिलचस्प वाकया गूगल के एक साबिक अहदेदार सॉन में विट के साथ पेश आया, जिन्होंने google.com को खरीद लिया मगर उनकी मलकियत का दुरानिया सिर्फ 1 मिनट रहा। सॉन में विट के मुताबिक वो गूगल की वेबसाइट डोमेन खरीदने की साइट का जायजा ले रहे थे, जब उन्होंने नोटिस किया कि google.com भी खरीदारी के लिए दस्तयाब है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली इस डोमेन की कीमत थी सिर्फ $12। गूगल की जानिब से ख़रीदारी करने पर इन्हें साइट की अंदरूनी मालूमात पर मबनी ईमेल्स भी मौसूल हुई और हैरतअंगेज़ तौर पर इन्हें पूरे 1 मिनट तक वेब मास्टर कंट्रोल्स तक रसाई भी हासिल रही। तहम गूगल पर उनकी हुक्मरानी 1 मिनट तक ही रही, जिसके बाद गूगल डोमेन ने खरीदारी का अमल महसूस करते हुए सामने वेट को इनके $12 वापस कर दिए। अब 2 तालिब इल्मों का पेश करता गूगल सर्च इंजन इंटरनेट पर राज कर रहा है और ये कंपनी सैकड़ों अरब डॉलर्स की मालिक बन चुकी है। 2010 से ये औसतन हर हफ्ते एक नई कंपनी खरीद रही है। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि गूगल सर्च पेज पर जो आई एम फीलिंग लकी का जो बटन मौजूद था, उसके बायस कंपनी को हर साल $11 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि इस पर क्लिक करने पर सर्च इंजन तमाम इश्तहारात को बाईपास करके टॉप सर्च को फौरन दिखाता था, जिसके बाद गूगल इंस्टेंट टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा के इस बटन में से इसे इश्तहारात ना दिखाने के ऑप्शन को ख़त्म कर दिया। एंड्रॉयड, यूट्यूब, जीमेल, क्रोम और ऐसी ही लातादाद सर्विसेज गूगल के पास हैं जिनकी बदौलत ये लगभग दुनिया भर तक रसाई रखती है, जबकि इसकी बुनियाद रखने वाले लैरी पेज 57 अरब जबकि सरगेई बिर्न 55 अरब डॉलर से ज्यादा के मालिक बन चुके हैं। वैसे ये दोनों गूगल को एक ऑनलाइन कंपनी एक्साइट को 1999 में $10 लाख और स्रोत करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर एक्साइट के CEO ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। आज गूगल, जिसकी मरकजी कंपनी को अल्फाबेट का नाम दिया गया है, की मालियत $700 अरब से ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।